नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है स्थानीय काशी विश्वविद्यालय। और यहाँ पे अभी हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं उपस्थित हुए हैं। और विश्वविद्यालय का यह वही स्थान है जहाँ पे मालवीय रहा करते थे। और ये मामला अभी तो पूरे नेशनल न्यूज़ में छाया हुआ है, सभी को पता है। मामला कुछ और था और उसका रिजल्टेंट कुछ प्रशासन ने ऐसा दिया कि मामला का जो टॉपिक है वो बदल गया। और अभी मैं इसको आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा और ये बताने की भी कोशिश करूँगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, साथ साथ जिला प्रशासन और हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काशी विश्वविद्यालय की गरिमा को कम करना चाहती है। देखिए, ये मामला अभी न्यूज़ में आया तो लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसी घटनाएं पहली बार हुई हों, जबकि काशी विश्वविद्यालय में छेड़छाड़ के मामले बहुत सालों से होते आ रहे हैं। अब या तो लड़कियां कंप्लेन नहीं करती हैं, डर जाती हैं, या तो लड़कियां कंप्लेन करती हैं प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता है, डरा दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं वो पहले से ही डर जाती हैं, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर हुआ था काशी विश्वविद्यालय के IIT में, जहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला था। कुछ बुलेट सवार आए, लड़कियों को बैठा के ले गए, एक लड़की थी बैठा के ले गए और कुछ उनके साथ कृत्य करा और फिर उन्हें छोड़ दिया। लड़की ने अपने दोस्तों को बताया, फिर उसके बाद यहाँ IIT के जो यूथ पार्लियामेंट है उन्होंने इस पर पूरा अपना एक ड्राफ्ट रेडी किया, धरना किया। और उस धरने में ऐसा नहीं है काशी विश्वविद्यालय के बस IIT के बच्चे थे, मीन्स लड़की की उस पर्टिकुलर सुरक्षा को लेके, उस कृत्य में दोषियों पे कार्रवाई कराने के लिए हर एक फैकल्टी डिपार्टमेंट एफिलेटेड MMB FMC पूरा एक एक छात्र जो है वो कहीं ना कहीं साथ देने के लिए इकट्ठा हुआ, न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ। फिर लगभग मुझे लग रहा है कि कुछ 16 घंटे 14 घंटे के अंदर ही प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि हम लोग IIT और BHU के बीच में एक बाउंड्री खींच देंगे। और इस बाउंड्री से क्या होगा कि प्रशासन ये तय कर सकती है कि अब लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं दोषियों को पकड़ना था, दोषियों पे कार्रवाई करनी थी, लेकिन प्रशासन दोषियों पे कार्रवाई न करके प्रशासन क्या कर रही है कि हाँ वो बाउंड्री बना रही है और बाउंड्री बना के ये तय कर रही है कि बाउंड्री के अंदर लड़कियाँ अगर रहेंगी तो अब वो लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। मीन्स लड़कियाँ अगर रात को निकलती हैं और रात में उनके साथ छेड़छाड़ होने की संभावनाएं हैं तो अब रात में लड़कियां ना निकले, कुछ इस तरीके का। या फिर जिस रास्ते पर लड़कियों के साथ कुछ गलत कृत्य हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, तो लड़कियां उस रास्ते पर जाना छोड़ दे। मीन्स प्रशासन ये नहीं तय करेगी कि उन्हें सुरक्षा कैसे दिया जाए, प्रशासन ये तय करेगी कि भाई आप वहां निकलना बंद कर दो, वहां पर जाना बंद कर दो और इस तरीके से आप सुरक्षित हो जाओगे। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है IIT और BHU के बीच में एक बाउंड्री को लेकर। IIT और BHU के बीच की जो बाउंड्री की बात है, सबसे पहले IIT बाद में आया है, उसको बाद में मान्यता दी गई है। और ये जो विश्वविद्यालय है मालवीय जी ने दान राशि से बनाई है, मतलब ये काशी का वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे आते हैं, अध्यात्म के नाम पे आते हैं। और इतने बड़े यानी एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी ने किया, वो भी दान राशि से किया। और अब दान राशि के बनाए गए इस भूभाग पे इस विश्वविद्यालय को क्या कर रहे हैं कि हाँ बाउंड्री बना के इसको हम लोग अलग कर देंगे और अलग करके हम पर्टिकुलर बस IIT की लड़कियों को सुरक्षा दे देंगे, बाकी MMB FMC डिपार्टमेंट इन सब लड़कियों के लिए फिर सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा। जबकि विश्वविद्यालय खुद अपने एक बहुत बड़े परिसर में बंद है, डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑलरेडी अपनी बाउंड्री बना के रखी हुई है। मीन्स बस आपको रास्ते पे सेफ्टी सिक्योरिटी देनी है, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। आप बेस्ट क्वालिटी के CCTV कैमरा लगवा सकते थे, आप बेस्ट क्वालिटी के आप जो नंबर्स आपके गार्ड्स हैं उसकी संख्या बढ़ा सकते थे, आप जो राउंड अप लगाने के लिए इनके पास जो गाड़ियां हैं उसकी संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन उन सब चीज़ों पे बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है कि हम बाउंड्री बना देंगे, लड़कियों को बाउंड्री के अंदर बंद कर देंगे तो ये लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो अभी आप लोग काशी विश्वविद्यालय के इस परिसर में देखे, इस प्रांगण में देखे, जिसके लिए लड़के जो हैं वो इकट्ठा हुए। और हाँ, इसमें ऐसा भी नहीं, इस पर्टिकुलर मामले के लिए काशी विश्वविद्यालय के बस छात्र ही नहीं एकजुट हुए हैं। आज हमारे पूर्व कुलपति जी भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाए, हमारे शंकर मोचन के महंत जी ने सबसे पहले ट्वीट करके इस चीज़ का अपोज किया, जो कि खुद IIT से आते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि उनको खुद पता है कि प्रशासन की ये जो एक डिसीजन था वो कितना गलत था। उसके बाद आज की डेट में कई सारे प्रोफेसर इस मुद्दे के अगेंस्ट खड़े हैं, पूर्व छात्र इसके अगेंस्ट खड़े हैं, वो भी इस मुद्दे में सामने आए। प्रॉब्लम ये है, हमारे जो VC साहब हैं, VC साहब पिछले 1.5-2 साल से जब यहाँ पे कार्यरत थे, किसी मामले में वो उपस्थित नहीं होते हैं, कभी किसी घटनास्थल पे उपस्थित नहीं होते। उनकी एक आदत है, चाय पीना हो, कचौड़ी खाना हो, इन सब जगहों पे वो बकायदा उपस्थित हो जाते हैं। जब ये पूरा मामला चल रहा था उस समय भी
बीसी साहब का भी कल एक एफबी पे पोस्ट आया हुआ है कि वो कुछ मीटिंग वगैरह किए और बड़ा खुश हैं कि हमने बहुत बढ़िया सा सुरक्षा पे बात कर ली, इस पे कर लिया, उस पे कर लिया। लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो कम से कम घटनास्थल पे आना चाहिए। घटनास्थल पे आप नहीं आ रहे हो, प्रोफेसरों के भी इन पे एक बहुत बड़ा ब्लेम है कि आप प्रोफेसरों से नहीं मिलते हो। ये नहीं मिलते, ये कभी कभी मिलने के लिए बुलाते भी हैं तो मन की बात करने के लिए बुलाते हैं, जैसे कि मोदी जी का एक दूसरा रूप बनने का कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको विश्वविद्यालय बनाया दिया गया है, विश्वविद्यालय आपके आपको दिया गया है शैक्षणिक कार्य के लिए, आप इसमें उन्नति लाइए। आप इसलिए विश्वविद्यालयों को नहीं चला रहे हो पिछले दो साल से कि इतने धरने हुए हैं कि मतलब विश्वविद्यालय लगता ही नहीं कि पढ़ाई के लिए बना हुआ है। मतलब ये जितने अभी प्रशासनिक लोग खड़े हैं इनका भी मतलब जीना हराम करके रखे हुए हैं। भाई धरना होगा ये भी आएंगे, कम से कम अगर आप पढ़ाई का माहौल बनाते क्या, अब अगर पढ़ाई कराते तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ाई मन लगाता तो इन सब चीज़ों में तो मन ही नहीं लगाता। आप ठीक से क्लासेस नहीं कराओगे, अभी विभाग वाले अपने मुद्दों के लेके बैठे हुए थे। मतलब एकेडमिक सेक्शन कहीं ना कहीं इनका गड़बड़ है। विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया? एकेडमिक के लिए बनाया गया। अगर आप एकेडमिक चीज़ों को भी नहीं सही कर रहे हो, ऊपर से लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब विश्वविद्यालय आप किस लिए बनाए? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बस मतलब ऐसा नहीं है कि भीसी साहब सुने और इसको बस इग्नोर करके निकल जाए। मोदी जी को समझना चाहिए कि आप जब एक भीसी को अपॉइंट कर रहे हो तो आप ये भी देखो ना कि आपके चॉइस की यूनिवर्सिटी आप उन्हें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। उन्हें लगता है गरीबों की यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, SBDB या जो भी यहाँ फैकल्टी डिपार्टमेंट है, जैसे लगता है यहाँ के लड़के भिखारी हैं या बहुत मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन IIT, IIMS, अब वो पैसे दे के आ रहे हैं, बहुत बड़ी फंडिंग है, तो वो बच्चे उनके बच्चे कहलाते हैं। भाई आपने वो प्लेटफॉर्म को ठीक से चलाया नहीं, जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ें हो रही है। अभी प्रशासन चाहे अभी भी मतलब आज का जो ये पूरा जमावड़ा है, जो भीड़ है, ये अवगत कराने के लिए है। ये अवगत कराने के लिए ये है कि आप अगर गलत करोगे विश्वविद्यालय के साथ, यहाँ के स्टूडेंटों के साथ, तो देख लो आज कितने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, कितने बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक आप इसको एक चुनौती समझ लो, प्रशासन भी समझे, हमारे भीसी साहब समझे, माननीय मोदी जी समझे, हमारे योगी जी समझे। हाँ, योगी जी को भी एक बात बोलना चाहूँगा। योगी जी भाई अभी तो उनका एक बहुत बढ़िया आइकन बना हुआ है कि वो गुंडागर्दी कम कर देंगे, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, महिला सुरक्षित होंगी, ये तमाम चीज़ें। योगी जी इस बात का भी अब एक निर्णय करें, तय करें कि क्या आप एक मात्र साढ़े लगभग 16 किलोमीटर में बसा हुआ एक परिसर, क्या आप उसे सुरक्षित नहीं कर सकते हो? मतलब ये NIRF की थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी है भाई, पूरे देश में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी, यहाँ की लाइब्रेरी को फर्स्ट रैंक दिया गया। मतलब ये क्या आप इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कागजों में बस इन सब चीज़ों को लपेट के आप देश में दिखाना चाहते हो कि हम विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो क्लास के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, लड़कियाँ अपने सुरक्षा के लिए जाके धरना कर रही हैं, अप्लीकेशन दे रही हैं, FIR करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें भी सुरक्षा नहीं दे रहे हो। किस काम का विश्वविद्यालय चला रहे हो? किस लिए आप विश्वविद्यालय चला रहे हो? जो आपसे नहीं संभाल रहा है आप इस्तीफा दो, दूसरा कोई आएगा वो विश्वविद्यालय संभालेगा। ये होना चाहिए ना। यहाँ के छात्र होने के नाते अभी मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की कहानी सुना दूँ, पिछले तीन सब हमारे बैच के पूरे लड़के का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, उनका एग्जाम हो गया 28 दिसंबर को आपके कन्वोकेशन होने जा रहे हैं, कई सारे ऐसे 20 दिसंबर को, 16 दिसंबर को आपका कन्वोकेशन होने जा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट फैकल्टी के अभी भी एग्जाम्स की डिग्री प्रिंट नहीं हुई है। क्या कर रहे हो? मतलब आपने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बनाया ठीक से उसको काम नहीं करना है, एकेडमिक सेक्शन बनाया ठीक से उसको काम नहीं करना है, पॉकटेल बोर्ड बनाया इनके पास भी पावर नहीं देकर रखा हुआ है, इनको भी ठीक से काम नहीं करना है। किस काम का विश्वविद्यालय चला रहे हो? और आप मेल से काम करते हो। अरे भाई विश्वविद्यालय आपको मेल से बात करना है, आप गांधीनगर में बैठे हो, मेल कर दिया करेंगे, आप वहां से हमारा फंड दे दो, हम विश्वविद्यालय खुद चला लिया करेंगे। कहने का सेंस ये है विश्वविद्यालय आप अपने पैशन से चलाओ, इस रोड पर चल के दिखाओ। समोसे, गोलगप्पे, ये चाय और फिर ये कचौड़ी, ये बनारस में आपने क्या टूरिज्म का कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था क्या कि एक्सप्लोर करने आप निकल गए? जाहिर सी बात है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप कुछ भी खाओ, कचौड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जो पसंद है। हम बनारसी हैं, आपको कहीं ले चलेंगे बढ़िया स्ट्रीट पे, हम आपको वो 100 साल पुराना डिश खिला देंगे जहां पे आपने कभी नहीं खाया, लेकिन आपको जिस काम के लिए भेजा गया वो काम तो आप करो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बच्चों के मन में है, अब बच्चा उसको भाई बोल पा रहा है, कुछ बच्चा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आज आपको एक जो रूप दिखा है। और हाँ, विश्वविद्यालय के छात्रों का ये आप एक बहुत पॉजिटिव आज सीन देख पा रहे हो, एक आवाज़ में पूरा इकट्ठा हुए, कोई पार्टी दल वाले इकट्ठा नहीं हुए, यहाँ पे सब हम BHU के हैं, सब BHU इकट्ठा हुए हैं
और इस बात को आज सिम्बलाइज कर दिए कि भाई फ्यूचर में ऐसा करोगे तो आपका खटिया खड़ी कर देंगे। तो प्रशासन के लिए सीधा चेतावनी है, आप समझदार हैं वो तो समझ जाइए, और नहीं तो फिर आप पद छोड़ के कहीं और जाइए। गांधीनगर आपको अच्छा लगता है तो आप गांधीनगर में ही अपने आईटी को बेस्ट बनाइए। अगर बीएचयू को नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे यहाँ के किसी प्रोफेसर को बना दीजिए, वो बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय चला लेगा। तो ये अनुरोध मोदी जी से भी है, योगी जी से भी है, हमारे यूजीसी के चेयरमैन एम जे कुमार जी से भी है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से भी है, तमाम जो विद्वान अपने आप को समझते हैं इन सभी लोगों से है। और उम्मीद करता हूँ कि इस पर फ्यूचर में आप अमल करोगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करोगे। और हाँ, वीसी साहब को कम से कम अपने यहाँ बुलाइए, थोड़ा चाय नाश्ता कराइए और इनसे बोलिए कि भाई विश्वविद्यालय आपको चलाने के लिए भेजा गया है, एक शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए भेजा गया है, आप वो माहौल बनाओ। आप ये मत कराओ कि आए दिन यहाँ कैंपस में बस लड़के लामबंद हो जाएं, धरना करें और ये करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी को शौक नहीं लगा गेट बंद कर थड़िया पीटने का, यहाँ पे पढ़ने आए थे, पढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और कम से कम हमारी जो लड़की जो हमारी छात्राएं हैं जो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं हमारी बहनें हैं उनको एक सुरक्षित माहौल दीजिए। देश विदेश से पढ़ने आते हैं, देश का कोई स्टेट नहीं है जहाँ से लड़कियाँ पढ़ने नहीं आती हैं। जो लड़कियाँ अभी फ्रेशर आई हैं 17 साल की लड़कियाँ हैं, कोई छेड़ देगा वो प्रशासन को जाके बता भी नहीं सकती है कि उनके साथ छेड़ा गया है, इतनी डरती हैं। तो कम से कम आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ इस पर बहुत जल्द विचार होगा और ये विश्वविद्यालय शायद अपने पुराने और बेहतर रूप में हमें देखने को मिलेगा। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।